वेलकम बैक अगेन। उम्मीद करती हूँ अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और आप लोगों को मेरी वीडियो भी अच्छी लगने लगी होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि गणेश उत्सव आ रहा है, तो गणेश जी को मोदक का प्रसाद बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आज हम बनाएंगे मोदक की रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से। तो आज हम बनाएंगे स्टीम मोदक विद ड्राई फ्रूट फिलिंग। तो चलते हैं मेरे किचन में और देख लेते हैं हम अपने मोदक कैसे बनाएंगे। तो मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल बारीक चॉप करके रख लिया है। यहाँ मैंने बादाम लिया है, काजू, मगज जिसको हम खरबूजे के गिरिया भी बोलते हैं, पिस्ता, किशमिश। तो सबसे पहले हम अपने मोदक की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने गर्म पैन के अंदर अपना एक चम्मच देसी घी ऐड करेंगे अपनी ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे कटे हुए बादाम और इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे अपने कटे हुए काजू, पिस्ता और इनको अच्छे से रोस्ट होने तक कुक करेंगे। इसमें हम साथ के साथ अपनी मगज की गिरियां भी डाल देंगे। और हमारी कटी हुई किशमिश, इनको हम अच्छे से रोस्ट करने तक कुक करेंगे। लो फ्लेम पर ही कीजिएगा। मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि ऐसे ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप भी उस रेसिपी को ट्राई कर सकें। देखिए अपनी ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को थोड़ी सी हाई कर दी है मैंने। आज हम बनाएंगे स्टीम मोदक विद ड्राई फ्रूट्स फिलिंग। बहुत ही अच्छे लगते हैं और गणपति जी को तो मोदक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो अक्सर गणपति जी के प्रसाद में मोदक जरूर रखा जाता है उन्हें खुश करने के लिए। हमारे ड्राई फ्रूट्स में से एक बहुत ही अच्छा अरोमा आना स्टार्ट हो गया है और ये रोस्ट भी होने स्टार्ट हो गए हैं। हमें थोड़ा सा क्रंचीनेस चाहिए अपने ड्राई फ्रूट्स के अंदर, हमें एक्स्ट्रा रोस्ट नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑफ दूध और 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर, इसमें मिठास लाने के लिए, और इन सबको अच्छे से मिला देंगे। और दूध ऑब्जर्व होने तक हम इसको बिल्कुल ड्राई होने तक कुक करेंगे, जिससे कि हमारी जो स्टफिंग है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी और बिल्कुल ड्राई स्टफिंग हमें मिल जाएगी। इसको अच्छे से ड्राई कर लेते हैं। देखिए हमारी ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग जो है वो थोड़ी सी ग्रेवी हो गई है। अब हम इसको अच्छे से ड्राई होने तक कुक करते हैं, क्योंकि इसमें अगर मॉइस्चर रह गया तो हमारे मोदक जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए हमें बिल्कुल ड्राई स्टफिंग चाहिए होती है अपने मोदक बनाने के लिए। देखिए दूध बिल्कुल ऑब्जर्व हो गया है। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देते हैं। देखिए मेरी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसमें और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें डेट्स भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको एक बर्तन में निकाल के ठंडा होने देते हैं। तब तक हम अपने मोदक तैयार कर लेते हैं। अब हम अपनी स्टफिंग को एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और उसको अच्छे से ठंडा होने देते हैं। चलिए अब झटपट से हम अपने मोदक की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैं अपने गर्म पैन के अंदर 1 कप दूध ऐड करूँगी। इसमें मैं डालूँगी 1 छोटी टीस्पून चीनी, क्योंकि हमारी जो
आउटर है हमारे मोदक का वो बिल्कुल फीका बनेगा और इसकी शुगर को अच्छे से डिजॉल्व होने देती हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे एक छोटी चम्मच देसी घी, अगर आपको स्टफिंग के अंदर थोड़ा मीठा कम लगे तो आप उसमें थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर सकते हैं एज पर योर टेस्ट। इसे हमें उबालना नहीं है, सिर्फ एक उबाला आने तक हम इसको कुक करेंगे, उसके बाद हम इसमें अपने चावल का आटा ऐड करेंगे। दूध में उबाला आना स्टार्ट हो गया है, अब इसमें हम ऐड करेंगे हाफ ऑफ कप हमारा चावलों का आटा और इसको अच्छे से मिला देंगे। गैस की फ्लेम को लो रहने दीजिएगा, नहीं तो इसमें गाँठें बन जाएंगी और इसमें बिल्कुल अच्छे से हम डो बनने तक इसको चलाते रहेंगे। देखिए हमारे चावल का आटा एकदम गाढ़ा हो गया है और इसको थोड़ा सा और हम चला लेते हैं जिससे कि हमारा एक डो फॉर्म में हमारा चावल का आटा तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको हम इसी में चलाते रहते हैं क्योंकि हमारा जो पैन है वो अभी गर्म है तो इसमें एक कुक आराम से आ जाएगा। देखिए बिल्कुल थिक हो गया है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल कर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर आने तक इसको ठंडा होने देते हैं। प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं हम अपने चावल के आटे को। अब हम अपने चावल के आटे को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम अपने मोदक बनाना स्टार्ट करेंगे। हमारा चावल का आटा बिल्कुल रूम टेम्परेचर में आ गया है, अब हम इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लगा लेंगे। देखिए एक परफेक्ट डो बनकर हमारा चावल के आटे का तैयार है। अब हम मोदक बनाने स्टार्ट करते हैं। मोदक बनाने के लिए यहाँ मैंने मोदक बनाने के लिए मोल्ड लिया है, ये आपको इजीली मिल जाता है बाज़ार में। मोदक बनाने को तो लोग हाथ से भी बना लेते हैं लेकिन मोल्ड में बनाने से उसकी एक परफेक्ट शेप आती है। अब हम अपने मोदक बना लेते हैं। एक्स्ट्रा मोदक का जो हमारा बेस है वो हम निकाल देते हैं, सेंटर में होल करते हैं। ये देखिए, और इसमें हम अपनी स्टफिंग को फिल करते हैं और इसको हम अच्छे से बंद कर देते हैं। देखिए हमारा मोदक बिल्कुल बनकर तैयार है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप। इसी तरह हम अपने सारे मोदक बना लेते हैं। देखिए एक कप चावल के आटे में हमारे 10 से 12 मोदक बनकर तैयार है। अब हम अपने मोदक को स्टीमर में रख देते हैं। थोड़ी सी हम अपनी जाली को ग्रीसिंग कर लेते हैं जिससे कि हमारे मोदक जो है वो हमारे स्टीमर की जाली पर चिपके नहीं, और पानी को अच्छे से उबलने देते हैं। पानी उबल गया है, अब हम अपने मोदक को अपनी स्टीमर की जाली के ऊपर रख देते हैं और इसको 10 टू 15 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। थोड़ा खुला रखिएगा क्योंकि अभी हमारे मोदक हल्के हल्के फूलेंगे। इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 टू 15 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। देखिए हमारे मोदक अच्छे से कुक हो गए हैं, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने अपने मोदक प्लेट पे लगा लिए हैं, अब हम थोड़ा सा केसर का दूध अपने मोदक के ऊपर डाल लेते हैं थोड़ी और अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए। देखिए कितने सुंदर मोदक लग रहे हैं मेरे। तो यहाँ मेरा गणपति जी का प्रसाद मोदक बनकर बिल्कुल तैयार है।
उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप भी उस रेसिपी को ट्राई कर सकें।